क्या केजरीवाल को नहीं मिल पा रही है बेल? क्या अरविंद केजरीवाल को अब जेल में ही रहना होगा, क्योंकि अब बुरे फंस चुके हैं केजरीवाल। ईडी के बाद अब सीबीआई ने कर लिया है गिरफ्तार। क्या वाकई में अब अरविंद केजरीवाल का जेल से निकलना मुश्किल है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि ईडी की कार्रवाई के बाद पहले से ही जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब सीबीआई ने भी पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में पहले से ही जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें अब कम होने का नाम नहीं ले रही। अरविंद केजरीवाल पहले से ही ईडी की गिरफ्तारी के बाद से 21 मार्च से जेल में बंद हैं और अब पूछताछ के बाद उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार भी कर लिया है। सीबीआई ने केजरीवाल से कड़ी पूछताछ की थी और अब सीबीआई ने केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में पेश कर दिया है। इस दौरान कोर्ट में सीबीआई ने केजरीवाल से पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया है। अब आपको बताते हैं कि पहले से ही जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की सीबीआई के ने आखिर क्यों गिरफ्तारी की है। दरअसल कोर्ट में सीबीआई के वकील डीपी सिंह ने स्पेशल जज अमिताभ रावत की बेंच के सामने कहा कि हमारे पास उस व्यक्ति का बयान है जिसने दिल्ली आबकारी नीति के मामले में केजरीवाल से मुलाकात की थी। ये सब शराब नीति के बनने के पहले हुआ था। सीबीआई कोर्ट में यह भी कहा गया कि इस बारे में हमेशा हमारे पास मंगुट्टा रेट्टी का बयान भी है। सीबीआई के वकील ने कहा कि इस बात के सबूत हैं कि साउथ ग्रुप के कहने पर शराब नीति को ड्राफ्ट किया गया था। सीबीआई के वकील ने यह भी बताया कि साउथ ग्रुप कोविड के दौरान निजी विमान के लिए दिल्ली आया था और जब विमानों का संचालन बंद था उस वक्त। सीबीआई ने यह भी कहा था कि यदि आप घटनाक्रम देखें तो आपको पता चलेगा कि कितनी तेजी से नोटिफिकेशन जारी किया गया तब जब कोरोना महामारी थी। सीबीआई ने कहा कि इस पूरे मामले में सबसे शीर्ष पर मुख्यमंत्री थे। सीबीआई ने यह भी बताया कि नीति के निर्माण में तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। अफसरों ने कहा कि शराब कारोबार का निजीकरण ना किया जाए और इस पर कोर्ट ने पूछा कि क्या रिपोर्ट को मंत्रालय भेजा गया है और बदल दिया गया, तो सीबीआई ने जवाब दिया कि नहीं, उन्होंने जनता से राय लेने की बात कही लेकिन हमारे पास इस बात के सबूत हैं कि कमेंट आम आदमी के सदस्यों से कराया गया था। सीबीआई के वकील ने दावा किया कि जो रिपोर्ट साउथ ग्रुप ने तैयार की थी और सरकार को दी थी उसे ही नीति बना दी गई। उन्होंने कहा कि प्रॉफिट मार्जिन को 5% से बढ़ाकर 12% किया गया। कुछ ऐसे वेंडर्स थे जिन्हें शामिल होने की अनुमति नहीं थी लेकिन कुछ बदलाव के बाद उन्हें अनुमति दे दी गई। केजरीवाल के अधिवक्ता का यह आरोप था कि एजेंसी का रवैया भी पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण है। अरविंद केजरीवाल के अधिवक्ता विवेक जैन ने यह आरोप लगाया कि सीबीआई की ओर से पूछताछ के लिए पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया है। जब सीबीआई ने ये तमाम बातें कोर्ट के सामने रखी तब उसके बाद अरविंद केजरीवाल के वकील ने अपना पक्ष रखना शुरू किया जिसमें उन्होंने पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि यह सबसे संवेदनशील मामलों में से एक है जो न्यायशास्त्र के इतिहास में दर्ज किया जाएगा। विवेक जैन ने बताया कि कोई व्यक्ति एक मामले में हिरासत में है दूसरे मामले में भी उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है लेकिन हम उचित प्रक्रिया पर काम करेंगे। केजरीवाल के वकील ने अपील की कि सुनवाई टाल दी जाए ताकि दस्तावेजों को कानूनी टीम के साथ केजरीवाल के साथ साझा किया जा सके और पेशी के लिए वो तैयार हो सके। सीबीआई ने आरोपों को खारिज किया है। सीबीआई ने केजरीवाल के अधिवक्ता के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कोई पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया ही नहीं गया है, हम काफी पहले से इस केस पर काम कर रहे हैं फिर भी हमने चुनाव के चलते अपने काम को कुछ दिन के लिए डिले किया था, रोका था। ये कार्रवाई पहले भी हम कर सकते थे लेकिन हमने नहीं की ताकि चुनाव प्रक्रिया में कोई बाधा ना आए। इसी बीच सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद सीएम केजरीवाल ने जमानत पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका को भी वापस ले लिया है। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि रोज स्थितियां बदल रही हैं, हाई कोर्ट ने रोक जारी रखी है, सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है, ऐसे में हम याचिका वापस ले रहे हैं। सिंघवी ने यह भी बताया कि हाई कोर्ट के मुख्य आदेश को चुनौती देंगे और नई याचिका हम दायर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को हाई कोर्ट के अंतरिम रोक के आदेश के खिलाफ दायर याचिका वापस लेने की मंजूरी दी है और अब नई याचिका दायर होगी केजरीवाल की तरफ से। इधर केजरीवाल को सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद से सियासत अपने चरम पर है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सीधे तौर पर सवाल उठा रहे हैं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं। होना ही था, शराब नीति घोटाले में जो दस्तावेज कोर्ट के सामने आए हैं उसमें ये बात तो स्थापित हो चुकी है कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे घोटाले के सूत्रधार हैं और उनकी देखरेख में पूरी नीति बनाई गई और उस दिल्ली में एक बड़ा स्कैम किया गया है और लगातार जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। मनीष सिसोदिया उसमें ऑलरेडी गिरफ्त हैं और सीबीआई ने पहले भी इनको जांच के लिए बुलाया ही था। अरविंद केजरीवाल को के कविता से भी लगातार पूछताछ चल रही है। तो मुझे लगता है कि जिन्होंने अपराध किया है और दिल्ली को लूटने का काम किया उनको इस दिन के लिए तैयार रहना ही चाहिए।
वहीं इधर आरजेडी के सांसद मनोज झा की बात करें तो केजरीवाल की गिरफ्तारी पर वो भी सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। वर्षों से कहता आ रहा हूं आप लोगों से कि आप लोग बेकार शब्द खर्च करते हैं, सीबीआई, ईडी, आईटी। सीधे तौर पर कहिए ना कि भाजपा के एक आनुषंगिक संगठन ने यह तय किया है कि विपक्ष से लड़ने का, चूंकि मोदी जी के पास अब वो कैपेसिटी नहीं रही, तो ये लड़ेंगे, उनके बदले लड़ेंगे। एक हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला हुआ, एक आप यहां अरविंद जी को देख रहे हैं। लेकिन इतना जरूर याद रहना चाहिए कि आपने इन संस्थाओं का जो चरित्र बदल दिया है ना, कल को जब आप नहीं होंगे। इंडी गठबंधन के तमाम नेता केजरीवाल की इस गिरफ्तारी पर अपना बयान दे रहे हैं। हालांकि ये आश्चर्यजनक जरूर है कि आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता अभी तक इस पर कोई भी बयान देता नजर नहीं आया है। अब वापस अपने शुरुआत के सवाल पर आएं तो अब सवाल यह है कि अब तक केजरीवाल एक एजेंसी के आरोपों पर जमानत लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब तो वो दो एजेंसियों की गिरफ्त में है, यानी सीबीआई और ईडी। अब उनकी जमानत की कोशिश कितनी जल्दी रंग लाती है ये देखने वाली बात होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।